नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, चैनल पर फर्स्ट बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चैनल के द्वारा आपको रोजाना होमगार्ड पीआरडी जवानों से जुड़ी और जो भी आंगनबाड़ी और एजुकेशनल न्यूज आती है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। भले ही फ्रेंड्स आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको अपने स्टेट से जुड़ी प्रत्येक खबर की अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, और जो भी खबर आपको मिलती है वो विद प्रूफ के साथ पूरी ऑथेंटिक और पूरी सच्चाई के साथ पूरी अपडेट आपको दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी खबर आप देख सकते हो। वीडियो के थंबनेल में लिखा गया है कि होमगार्ड पीआरडी जवान तीन बड़ी घोषणाएं। शासकीय अवकाश घोषित, जीवन बीमा 2 लाख रुपए, मातृत्व अवकाश भी अब मिलेगा महिला होमगार्ड जवानों को। दोस्तों बहुत ही बड़ी होमगार्ड गुड न्यूज है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी अपडेट। और चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीआरडी जवानों को मिलेगी तीन बड़ी सुविधाएं पांडे। देहरादून से हमें अपडेट मिली है, युवा कल्याण एवं पीआरडी मंत्री अरविंद पांडे के पीआरडी जवानों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें मुख्य मांग, पीआरडी जवानों को उपनल कर्मियों की भांति शासकीय अवकाश का लाभ देने की है, और इसके अलावा जवानों का जीवन बीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने और महिला पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश देने का ऐलान किया गया है। और मंत्री अरविंद पांडे ने ये घोषणाएं मंगलवार को एक कल्याण एवं पीआरडी निदेशालय की ओर से आयोजित 3 दिवसीय युवा महोत्सव में शामिल होने के अवसर पर किए हैं, और साथ ही शासन के अधिकारियों को घोषणाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं, और निदेशालय स्तर पर तीनों मांगों के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। और इसके अलावा निदेशालय ने 3 दिन के भीतर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बाद शासन स्तर पर प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपकी प्रदेश में पीआरडी जवानों की स्थिति, यानी दोस्तों आप पीआरडी जवानों की होगी बल्ले बल्ले। दोस्तों तीन बड़ी सुविधाएं मिली हैं। एक तो दोस्तों आप कि जो शासकीय अवकाश है वो भी अब पीआरडी होमगार्ड जवानों को मिलेगा, और साथ ही 50,000 रुपये जीवन बीमा के स्थान पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा, और महिला होमगार्ड पीआरडी जवानों को अब मिलेगा मातृत्व अवकाश। प्रदेश में पीआरडी जवानों की स्थिति, वर्तमान में प्रदेश में करीब 7,500 पीआरडी जवान विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें लिपिक, चालक, अनुसेवक और गार्ड शामिल हैं। इन जवानों में 650 महिलाएं शामिल हैं। पीआरडी जवान बीते कई वर्षों से शासकीय अवकाश समेत विभिन्न मांगें उठा रहे हैं, और निदेशालय स्तर से दुर्घटना बीमा की मांग पर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन शासन स्तर पर यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी अपडेट है। युवा महोत्सव में युवा कल्याण मंत्री एवं पीआरडी मंत्री अरविंद पांडे ने की है बड़ी घोषणा, पीआरडी जवानों को मिलेगी तीन बड़ी सुविधाएं। इसकी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने पीआरडी जवानों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अंत में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला। भगवान करे आपका दिन बहुत ही बहुत शुभ हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।